हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज हम समर्सिबल मोटर की रिबूशिंग करेंगे। ये जो रूटर आप देख रहे हैं, ये B4 का रूटर है और इसके जो बुशेज होते हैं वो बिल्कुल घिस चुके थे। जे इसके ओल्ड बुशेज हैं, ये देखिए, ये मैंने निकाल लिए हैं। ओल्ड बुशेज हैं, काफ़ी ढीले हैं और इसके मैं नए बुश फिट कर लिए हैं। यहाँ से पुराने बुश निकाल के, ये पुराने बुश हैं और ये नए बुश फिट कर ले हैं। ये अभी इसमें टाइट है, ओवरसाइज बुश हैं ये। और इसकी जो रूटर है, रूटर की हालत बहुत ख़राब है, घिस चुका है ये। यहाँ पे बुश चलता है और यहाँ से ये ओवरसाइज यहाँ पे घिस के डाउन हो चुका है। अब हम इस रूटर को पहले ग्राइंड करेंगे। ये हमारा रूटर जो है अब ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें पॉलिश है और ये साइज बिल्कुल सही है। इसमें कोई टेपर नहीं होनी चाहिए। ये हमने साइज चेक किया है, बिल्कुल सही साइज है हमारा। और इसका जो अभी साइज है वो 18.5 है, 18.5 mm साइज है इसका। और जो बुश का इंटरनल डायमीटर है वो 18 mm है। अभी हम बुश को 0.5 mm अंदर से बोर करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ, अब हम इस बुश को अंदर से बोर करेंगे लेथ मशीन पे। और इसको हमने यहाँ से बिल्कुल ट्रू कर लिया है, इसको यहाँ से बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये यहाँ से सही नहीं होगा तो आपकी मोटर फिट करने के वक्त टाइट हो जाएगी, घूमेगी नहीं। इस तरह से अब हम इसको बोर करेंगे। हमारा एक बुश जो है वो बोर हो चुका है और ये जो दूसरा बुश है इसको हमने ट्रू कर लिया है और अब हम बोर करेंगे।
जी हाँ, हमारे दोनों बुशेज जो हैं ये बोर हो चुके हैं और फिटिंग हो चुकी है। ये जो बुशेज हैं इनमें सिर्फ इतना ही क्लियर लेंस होना चाहिए कि ये आसानी से फ्रीली मूव कर सके। और इसके ऊपर हम ये जो सील है ये फिट कर देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।